देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज मानवीर सिंह के साथ देखेंगे आज की बड़ी खबर। अज्ञात बदमाशों ने स्टॉल को लगाई आग, जलकर हुआ राख। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के सिरसौत सेटलमेंट कॉलोनी में शुक्रवार की रात अज्ञात बदमाशों ने हृदेश कोहली के फॉर्च्यून के स्टॉल में आग लगा दी। आग लगने से स्टॉल और स्टॉल में रखा सामान जलकर राख हो गया। वही स्टॉल मालिक ने बताया कि स्टॉल में 10 से 15 हजार रुपए का फॉर्च्यून का सामान रखा हुआ था और कुछ लोग स्टॉल हटाने और बेचने के लिए आए दिन दबाव बनाते हैं। होली पर्व के चलते स्टॉल 2 दिन से बंद रखा था और शुक्रवार को आसपास के लोगों ने मुझे सूचना दी कि स्टॉल में आग लग गई। मौके पर जाकर देखा तो स्टॉल पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई। शिवपुरी से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। कोहली, अच्छा हृदय जी, जो आपके स्टॉल में आग लगी है, थोड़ा इसके बारे में बताए क्या है ये? कल होली का माहौल था, इसलिए हमने दुकान बंद कर रखी थी और सुबह जब देखा तो उसमें आग लग चुकी थी, जो राख हो गया था। और ये कई लोगों ने बोला था कि डिब्बा हटा दो और बेच दो, यहाँ पे मत रखो। अच्छा, आपके आपके स्टॉल में कितने का लगभग सामान था? सामान कम से 15-20 हजार तक का सामान था उसमें। आपको किसी पे शंका है? जो जिसने शंका तो कई लोग थे जो बेचने के लिए बोल रहे थे, वो हटाने के लिए कह रहे थे, उनके द्वारा कई लगाई गई। तो आप इसी सेटलमेंट कॉलोनी में रहते हो? हाँ। कितने साल पुराना रखा था ये स्टॉल? ये कम से कम 2-2.5 साल पुराना रखा था।